हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में वजीर एक्स ऐप आप कैसे यूज कर सकते हो इसके बारे में कुछ आपको जानकारी शेयर कर रहा हूँ। वजीर एक्स ऐप है जो कि जिसके ज़रिए आप बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी बाय कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको आना है अपने प्ले स्टोर में और प्ले स्टोर पर आके आपको टाइप करना है वजीर एक्स, WAZIRX। ये देखो पहला ही ऑप्शन आपको मिलेगा, बिटकॉइन एक्सचेंज इंडिया, ये है इसका लोगो। आप इसे डाउनलोड करोगे, चूँकि मैं डाउनलोड किया हुआ हूँ तो मुझे ओपन का सीधे ऑप्शन दे रहा है। ये 4-स्टार रैंकिंग ऐप है, ये देखो 4-स्टार रैंकिंग दिखा रहा है और कई लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। ये देखो कुछ लोगों ने 1-स्टार भी दिया है। डेवलपर कंटेंट भी, यानी डेवलपर भी आप यदि कुछ भी इसमें इशू बताते हो तो डेवलपर आपको उसका रिप्लाई भी देता है, ये सबसे अच्छी बात है। और क्रिप्टो करेंसी परचेज के लिए सबसे पॉपुलर ऐप है, ये अकेली ऐप है ऐसी नहीं है, बट सबसे पॉपुलर ऐप में वजीरएक्स ही है। तो डाउनलोड होने के बाद आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। ये देखो सबसे ऊपर में आपको सिप क्रिप्टो दिखेगा और ये देखो आपको इसमें ध्यान देना है दोस्तों कि आप अगर इंडिया में हो तो आपको सबसे ऊपर में आप देख लो INR पे ही आपको परचेज करना है। INR पे आप क्लिक करोगे तो आपको जो भी रेट दिखेगा वो रुपये में दिखेगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो भी परचेज करो इंडिया में यदि हो तो आप INR पे ही क्लिक करके परचेज करना। ऑप्शन आपको कई सारे मिलते हैं। इसके बाद ये देखो USDT पे भी आप परचेज कर सकते हो। USDT में जैसे ही आप चेंज करते हो आपको रेट बदल जाएगा। ये देखो रेट दिख रहा है इसमें, USDT का रेट दिख रहा है। उसके बाद जब आप लेफ्ट क्लिक करोगे तो WRX, उसके बाद BTC, ये देखो BTC के ऑप्शन में अभी मैं हूँ, और उसके बाद आपको P2P पे दिखेगा। यानी आप यहाँ से P2P के बारे में स्पेशल अलग से वीडियो बना दूँगा दोस्तों। तो ये USDT एंड INR इंडियन करेंसी, इंडियन रुपीज, INR फॉर इंडियन रुपीज होता है। ट्रैक योर फेवरेट क्रिप्टो, यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हो अपने फेवरेट क्रिप्टो को। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप इस परचेज करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा यहाँ पे। तो जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करोगे यहाँ पे ईमेल ID और पासवर्ड का ऑप्शन आपको देना है। तो मैं यहाँ पे अपना ईमेल ID दे रहा हूँ। आपको एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड बना लेना है, क्योंकि मैं इसको दूसरे मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे एक बार OTP का भी ऑप्शन मिलेगा। यदि आप दो मोबाइल में इसको लॉगिन करोगे तो आपको OTP का ऑप्शन देना पड़ेगा, बट अगर आप एक ही मोबाइल में इसको लॉगिन करते हो तो आपको OTP का ऑप्शन नहीं देना पड़ेगा। या फिर आप 2-स्टेप वेरिफिकेशन में यदि इसको लॉगिन करते हो तो फिर जितने बार आप लॉगिन करोगे उतने बार आपको मोबाइल पे OTP जाएगा, जो कि ज़्यादा सेफ रहता है। ये देखो यहाँ पे मुझे लॉगिन पे क्लिक करना था बट मैंने साइनअप क्लिक कर दिया गलती से, तो मैं फिर से पासवर्ड डाल रहा हूँ। दोस्तों पासवर्ड आपको स्ट्रांग रखना है, क्योंकि ये फाइनेंशियल लॉगिन हो रहा है तो आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना पड़ेगा। और पासवर्ड आप लिख लेना, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं कि पासवर्ड हमें याद रहेगा बट याद रहती नहीं है। ये देखो इंटर द OTP सेंड योर मोबाइल, यहाँ पे हमें OTP इंटर करने के लिए बोला जा रहा है, तो मैं OTP यहाँ पर इंटर करूँगा जो कि हमारे दूसरे मोबाइल नंबर पर भेजा गया है। दोस्तों मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि आप पासवर्ड स्ट्रांग रखना, ठीक है। यहाँ पे मैं OTP लॉगिन कर दिया हूँ और ये देखो फिर से ये ऑप्शन हमें दिखने लगा सेम टाइप का। अब यहाँ पे आपको जैसा पहले दिख रहा था वैसा ही सेटअप आपको दिखता है, बट आप यहाँ से अब बाय और सेल भी कर सकते हो। बाय सेल करने से पहले आपको दोस्तों और एक बार बता दूँ कि यहाँ पर आपको अपने अकाउंट में पैसा पहले डिपॉजिट करना पड़ेगा एड मनी में आपको जाके। तो दोस्तों एड मनी यदि आपको नहीं पता है तो एड मनी पे मैं एक वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख देना
उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और वजीरक्स में आप अब निश्चित है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप वजीरक्स में परचेज और सेल कर सकते हो क्रिप्टो करेंसी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो यदि पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।